New Hope TV, your encounter with God. Go with me to the book of Genesis, chapter 15 and verse 1. चलिए निकालें हमारे साथ इस समय उत्पत्ति का 15वां अध्याय उसका पहला वचन. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा ये कहते हुए, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ. Sometime back. कुछ समय पहले, I was reading a book. आजमान जी एक पुस्तक पढ़ रहे थे. And in that book, the author had mentioned in this manner. और उस पुस्तक में उस लेखक ने इस तरह से बयां किए थे. That in a year there are 365 days. Most of us know that. कि हमें ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक साल भर में 365 दिन होते हैं. And in the Bible, that's what he said. Okay. देखिए उन्होंने कहा और बाइबल में. And I'm not disputing it. और देखिए वाद-विवाद नहीं कर रहा हूँ उससे कोई. He said that for every day there is a God's fear not. और देखिए उन्होंने इस तरह से उसमें लिखा कि हर एक दिन के लिए परमेश्वर कहता है मत डरो. There are 365 occurrences in the Bible. That's what he said, and I have not checked it. Let me say honestly. देखिए उन्होंने इस तरह से कहा कि 365 बार इस तरह से दोहराया गया है, और देखिए उन्होंने ऐसा कहा. So he was bringing out, he was saying that for every day there is God's fear not. तो देखिए इस तरह से उन्होंने सामने पेश किया ये कहते हुए कि हर दिन के लिए परमेश्वर कहता है डरो मत. I have not checked it. नहीं देखा उसने. But as I read Genesis 15 and verse 1, लेकिन जैसे पासवान जी ने उत्पत्ति का 15वां अध्याय के पहले वचन को पढ़े, I realize ये समझ में आया that it is the first time in the Bible कि पहली बार बाइबल में that God says do not be afraid or fear not. परमेश्वर कहता है कि डरो मत या मत डरना. There's a great meaning to that. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ है. Why did God say to Abraham in this manner? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से इस तरीके से कहा? He said Abraham, Abraham, do not be afraid. वो कहता है अब्राहम, अब्राहम, डरो मत. Let me explain right now. चलिए बताने दीजिए. Abram had rescued his nephew Lot from the kings. हम देखते हैं कि अब्राम ने अपने भतीजे लूत को दूसरे जो राजा जिन्होंने हमला किया था उससे चंगुल से छुड़ा लाया. He had taken his trained servants, attacked those kings, and by God's grace and mercy, he had rescued Lot from there. और हम देखते हैं कि अब्राम ने अपने प्रशिक्षित सेवकों को लिया, उनको लेके जाके उन राजाओं की फौज पर हमला किया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने भतीजे लूत को छुड़ा लाया. The king of Sodom comes to Abram and said, "Abram, just give me my people and take whatever you want." सदोम का राजा अब्राम के पास आता है और अब्राम के पास आकर कहता है कि अब्राम मेरे जो लोग तुम्हारे पास है उन्हें मुझे लौटा दो और बदले में जो चाहिए ले लो. And Abram says something very powerful. अब्राम कुछ खास वहां कहता है. He said, "Look, your king of Sodom." सदोम के राजा देखो. I have stretched my hands to the God who will bless me. मैंने अपना हाथ उस परमेश्वर के आगे फैलाया जो मुझे आशीष देगा. I will not put my hands in front of you. मैं अपना हाथ तुम्हारे आगे नहीं फैलाऊंगा. Otherwise, you'll go around telling everyone that you have blessed me. नहीं तो तुम जाकर सभी लोगों से कहते फिरोगे कि तुमने मुझे आशीष दिया है. And Abraham refuses to be blessed by an unrighteous king. He refused to compromise with an unrighteous king of Sodom. और अब्राम देखिए वहां पर ठुकरा देता है कि सदोम का राजा जो कि एक अधर्मी राजा है उसके पास से कोई भी ऐसी भेंट ले वो ठुकरा देता है, समझौता नहीं करता. You see many times. देखिए बहुत बार. When we stand up for what God has told us to stand up for. जब हम उस बात के लिए खड़े होते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें खड़े होने के लिए कहा है. People will be offended. लोगों को ठेस लगेगी. They will say, what does this person think about himself? वे कहेंगे कि ये आदमी अपने बारे में क्या सोचता है? People like people who compromise their values. और लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो अपनी गरिमा से समझौता कर लेते हैं. And I believe Sodom's king must have not been happy. और हमें पूरा यकीन है कि सदोम का राजा इस बात से खुश नहीं हुआ होगा. He must have been offended. उसे ठेस लगी होगी. And that's why God told Abram. इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम से कहा. Do not be afraid, Abram. अब्राम मत डरना. I don't know whom I'm speaking to today. पता नहीं आज किससे हम बोल रहे हैं. You are being persecuted for not compromising. समझौता न करने के वजह से आपको सताया जाता है. And God is saying the same word. The God of Abraham is telling you, do not be afraid. और अब्राम का वही परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, डरना मत. Secondly, we know that Abraham single-handedly attacked so many kings. हम देखते हैं कि अब्राम ने खुद अपने बलबूते से अकेले ही कई राजाओं पर हमला कर दिया. He won the victory. उसने विजय को पाया. But there was a fear of the backlash. लेकिन फिर से पलटवार का डर उसके अंदर था. He was probably fearing whether these people will not attack me again. और देखिए उसके अंदर एक डर समाया हुआ था कि ये लोग वापस से आकर कहीं मुझ पे हमला ना कर दें. You see, God never wastes His word. आप देखते हैं परमेश्वर कभी भी अपने वचन को जाया नहीं करता. God knows what is in our hearts. परमेश्वर जानता है हमारे दिल में क्या है. Maybe we don't show it. शायद हम ना दिखाते हो. You know, we try to be strong in front of our wives and children, but you see, inside there is fear. Will things work out?
और देखिए हम अपनी पत्नी अपने बच्चों के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर वो डर और घबराहट रहती है। I'm talking to the men. और मर्दों से कह रहे हैं। And sometimes we get angry for little things. Our wives and children and people don't understand why we are getting so angry. It's because we have that fear inside of us somewhere. Will things work out? और देखिए कभी-कभी छोटी-छोटी बातों में देखिए हमें गुस्सा आने लगता, क्रोध आने लग जाता है और हमारे बीवी बच्चे समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो डर जो है वो घबराहट अंदर हमारे अंदर समाई हुई इसी के वजह से ये सब दिखाई पड़ता है। You're not an angry person, you're not a rude person, but there's fear inside of you that triggers your anger and God is saying do not be afraid. Hallelujah. देखिए आप क्रोधित व्यक्ति नहीं है, आप इस तरह के अकड़ रखने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि डर जो आपके अंदर समाया हुआ है, बसा हुआ है, उसी की वजह से इस तरह की प्रतिक्रिया आप दिखाते हैं। That's why it's affecting your marriage. That's why it's affecting your family. इसी वजह से देखिए इसका असर जो है आपके शादी पर, आपके परिवार पर पड़ता है। Fear often translates itself into anger and other emotions. हम देखते हैं कि डर जो है अक्सर जो है वो रूप ले लेता है क्रोध का, गुस्से का, दूसरी भावनाओं का। God is saying to you today. परमेश्वर आपसे कह रहा है। Do not be afraid. मत डरो। Hallelujah. Hallelujah. You see, Abram maybe not showing it to his family members, but deep inside there was fear. What if these kings attack me? What if this time I may not make it? And God is saying to Abram, "Don't be afraid, Abram." और देखिए, अब्राम भले अपने परिवार के लोगों के सामने इस बात को दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा था, डरा हुआ था कि क्या होगा अगर ये लोग मुझ पर वापस से हमला कर दे? क्या होगा अगर वो हमला मुझ पर कर दे? इस बार मैं विजय ना हो पाऊँ तो? लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राम मत डरो। This is the spirit that comes against even God's people. और ये वो आत्मा है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में भी आता है। Paul wrote to Timothy and said, Paulus said Timothy isko likhte hue Timothy, Timothy don't be afraid my son. Mere bete darna mat. He was a bishop in a place. Wo ek jagah pe bishop the. And Paul had to write to Timothy, he says for God has not given you a spirit of fear Timothy but a spirit of love, of power and of a sound mind. Somebody receive it, say hallelujah. Aur dekhe pre Paulus aur Timothy isko likhte hue kaha ki darna mat kyunki parmeshwar ne hame dar ki bhay ki aatma nahi di hai magar samajh, sanyam aur prem ki aatma di hai. Today you must receive this word. आज आपको ये वचन ग्रहण करना चाहिए। This is what happens when you are in Christ. यही होता है जब आप मसीह में होते हैं। You have believed Jesus. आपने यीशु में विश्वास किया है। This is your document of inheritance. You have the spirit of love, of power, and of a sound mind that will overcome the spirit of fear. Hallelujah. और देखिए आपके पास आपकी विरासत का ये दस्तावेज है कि आपके पास प्रेम की, संयम और सामर्थ की आत्मा है और ये आपके डर की आत्मा पर जय पालेगा। Do not be afraid, Abraham. Put your name over there and say, "Do not be afraid, Michael." Whatever your name is, say that. Confess it. Say that. अब्राहम मत डर, अपना नाम वहाँ पर लेते हुए कहे, जो भी आपका नाम है कहे कि मत डर अपना नाम। Hallelujah. लेते हुए कहे, are you receiving this? क्या ग्रहण कर रहे हैं? I can see people crying right now. देख सकते हैं लोग रो रहे हैं इस वक्त। I want to tell you, my sister, my brother. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब के The Lord will wipe away your tears and you will testify. Glory. आपके आंसुओं को मिटाएगा और आप गवाही देंगे। Glory be to the King Jesus. Hallelujah. यीशु को महिमा मिले। And further on, God spoke to Abraham. I'll go to my second point right now. और आगे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, चाहते कि दूसरे हमारे मुद्दे पर। He says, Abraham. परमेश्वर का, अब्राहम। I am your shield. मैं तेरी ढाल हूँ। Come on, somebody say, the Lord is my shield. कोई तो कहे, प्रभु मेरी ढाल है। What is a shield? और देखिए ढाल क्या है? A shield is something that protects you from the arrows of the enemy. ढाल वो चीज होती है जो शत्रु के तीर बाण से आपकी रक्षा करती है। If you read the book of Ephesians chapter 6, अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका छठवां अध्याय, the word shield is mentioned only once in the entire New Testament. और देखिए पूरे नए नियम में शब्द ढाल बस एक ही बार लिया गया है। And Apostle Paul brought it out in the famous chapter of Ephesians 6, which deals with spiritual warfare. और देखिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री उसके छठवें अध्याय जो कि मशहूर अध्याय है और जो कि वहां पर आत्मिक लड़ाई के बारे में दिया गया उसमें लेकर आते हैं। Note how he says it. और गौर करें कैसे उन्होंने कहा। But he says above all. और देखिए वो कहते हैं सबके ऊपर। Take the shield of faith. विश्वास की ढाल लो। Take the what? क्या लेना है? Shield of faith. विश्वास की ढाल। You see, there's a shield that you can move it anywhere and can block the arrows of the enemy. You can block the javelins of the enemy. You can block the sword of the enemy. You can block it with one thing and it's a shield. Hallelujah. और देखिए ढाल के माध्यम से क्या हो सकता है कि आप शत्रु के द्वारा भेजे गए हर एक तीरों को रोक सकते हैं, शत्रु के द्वारा चलाए गए भालों को आप रोक सकते हैं और ये एक हथियार है जिससे ये सारे कामों को अंजाम दिया जा सकता है। A shield is a protecting agent.
और एक ढाल जो होता है अच्छे से रखवाली करता है, सुरक्षा करता है। Soldiers, very important piece of equipment. और सैनिकों के लिए ये हथियार में से बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। In the olden times, the shields were not small like we see, you know, somewhere here. The shields were huge. They could literally cover them. They could hide behind a shield. और पुराने जमाने में जो ढाल जो हुआ करता था वो एकदम छोटा सा नहीं होता था, लेकिन इतना बड़ा होता था कि अपने आप को पूरे समय ढक सकते थे। And God is saying to Abram. और परमेश्वर अब्राम से कह रहा है, Abram, you don't need a shield of metal and wood and stone. I am your shield. Don't be afraid. Hallelujah. Come on. लकड़ी की या पत्थर की ढाल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। I want to tell you. कहना चाहते हैं आपसे। Sickness will not come near you. The Lord is our shield. Hallelujah. Come on. बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी, प्रभु हमारी ढाल है। I want you to lift your hand and say, the Lord is my shield. Hallelujah. हाथ उठाकर कहें इस समय कि प्रभु मेरी ढाल है। Say it again, the Lord is my shield. फिर से कहें प्रभु मेरी ढाल है। The tongue will not come, evil tongues will not come near you. The Lord is your shield. Hallelujah. शैतानी ज़बान, शैतानी शब्द आपके नजदीक नहीं आए सकेंगे क्योंकि प्रभु हमारी ढाल है। Many times, बहुत बार, you know, all dreams are not from God. हर एक सपना जो हमें आते हैं वो प्रभु से नहीं होते। Sometimes people write to me. और कभी-कभी लोग लिखते हैं। Pastor, I saw this in my dream. पासवान जी, मैंने अपने सपने में ये देखा। Pastor, I saw some kid faces in my dream. पासवान जी, मैंने कुछ दुष्ट चेहरों को देखा अपने सपने में। Is God showing me something? परमेश्वर मुझे कुछ दिखा रहा है। I said, no father will frighten his children. पासवान जी कहते हैं कोई भी पिता जो है अपने बेटों को डराएगा नहीं। You have children, probably if you don't have children, you might have nephews, nieces, or some child. You will never go in the sleep and try to frighten the baby. Will you do that? No. और देखिए आप, आपके भी बच्चे होंगे या आपके बच्चे नहीं तो आपके भतीजे होंगे, भांजे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे नहीं। जब वे सो रहे तो आप उनको जाके डराएंगे नहीं। God will never do that. परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। The Bible says God is peace. बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर शांति का दाता है। Hallelujah. His joy. वो आनंद है। I'm telling you, listen to me. कहना चाहते हैं आपसे, सुनिए हमारे। You know, many people say, oh brother, I saw somebody doing witchcraft in my dreams. I saw this. My friend, listen to me. Let them do what they want to do. Don't focus on that. The Lord is your shield. Hallelujah. प्रभु हमारी ढाल है। People lose their peace. लोग अपनी शांति गवा बैठते हैं। Listen, forget it. भूल जाओ सब। The Lord is your shield. प्रभु आपकी ढाल है। Just because you saw something, you lose your peace. What about the things that you did not see? और क्योंकि आपने कुछ देख लिया इसलिए आपकी शांति बुरी भंग हो गई, क्या होगा वो चीजों के बारे में जो आपको दिखाई नहीं देती? The best driver will tell you there is a blind spot when you're driving. You have to be careful. Come on somebody. Hallelujah. उत्तम जो ड्राइवर होता है वो आपको बता देगा कि वहां पर खतरा है, चलाते समय ध्यान देना। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, मिरर में भी देखो तो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो यू सी, गॉड इज द वन हु प्रोटेक्ट्स अस। तो आप देखते हैं परमेश्वर ही है जो हमारी रक्षा करता है। वी कांट सी एवरीथिंग, हम सब कुछ नहीं देख सकते। सो स्टॉप लूजिंग योर स्लीप, स्टॉप लूजिंग योर पीस, स्टार्ट कन्फेसिंग एंड से, लॉर्ड, I shall not be afraid. You are my shield. Somebody needs to receive this word. Hallelujah. आपकी शांति को भंग न होने दे, आपकी नींद को गवाए नहीं। कहेगी प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरी रक्षा करेगा। Paul was telling the people, he says, take the shield of faith. How can God become your shield? Can I speak to you? पौलुस देखिए वहां पर लोगों से कहते हैं कि विश्वास की ढाल ले लो, परमेश्वर आपकी ढाल कैसे बन सकता है अभी आपको बताते हैं। You see, Abram, he did not say, okay, now they might attack me. Let me just compromise with the people of Canaan. और देखिए अब्राम ने ऐसा नहीं कहा कि अरे अभी वो लोग आकर मुझ पर हमला करेंगे, हम सब पर हमला करेंगे, तो चलो कनान के जो लोग हैं हम उनसे समझौता कर लेते हैं। ओके, यू नो, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ओके, नो नो माइंड, ओके, मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं। नो, ही ट्रस्टेड द लॉर्ड, लेकिन उसने प्रभु पे भरोसा किया। आई एम टेलिंग यू, कहते हैं आपसे, व्हेन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जब आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, इन हिज वर्ड, उसके वचन में, दैट्स द टाइम द लॉर्ड बिकम्स योर शील्ड। ए, वही समय होता है जब प्रभु आपकी ढाल बनेगा। ही जस्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, वो बस आपके सामने खड़ा होगा। ही ब्लॉक एवरी एरो, ही ब्लॉक एवरी वेपन ऑफ द एनिमी। कम ऑन somebody, के द्वारा भेजा हुआ हर एक हथियार, हर एक तीरों को देखकर रोक देगा। People try all their stunt, nothing will work. वो घुमाते घुमाते खूब घूम जाएंगे। Come on, lift your hand and say, the Lord is my shield. Hallelujah. लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि प्रभु हमारी ढाल है। The Lord is not only your shield, he's the shield of your family. प्रभु सिर्फ आप ही की ढाल नहीं, वो आपके परिवार की भी ढाल है। Come on, go with me right now. चलिए निकालेंगे। Go to Psalm 115 right now. चलिए निकालें भजन संहिता का अध्याय 115 verse 11 right now. और पढ़ेंगे उसके 11वें वचन में। You said, you that fear the Lord, trust in the Lord. और वचन में ऐसा लिखा है, वे लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु पर भरोसा रखो। He is their help. वह उनकी सहायता है। And their shield. और उनकी ढाल। How is their shield? When they trust in the Lord. कैसे वह उसकी ढाल बनता है? जब वे उस पर भरोसा करते हैं। You have to trust in him. आपको उस पर भरोसा करना है। God, you said it.
परमेश्वर तूने कहा है। I believe it. मैं विश्वास करता हूं। I read it in the morning. Lord, I know you'll do it for me. मैंने सुबह पढ़ लिया प्रभु और आप जरूर करेंगे प्रभु, मुझे यकीन है। Oh, the moment you put your faith in his word, he becomes your shield. जिस पल आप अपना विश्वास के वचन में रखते हैं, वो आपकी ढाल बन जाता है। Somebody needs this word today. किसी को तो इस वचन की जरूरत है। This is a powerful word from the Holy Spirit for you today. और ये पवित्र आत्मा की ओर से बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है आपके लिए। Put your faith in the word of God. अपना विश्वास परमेश्वर के वचन में रखें। God and his word are one. परमेश्वर उसका वचन एक है। See, David had a New Testament revelation. और आप देखते हैं दाऊद के पास नए नियम का प्रकाशन। Go to Psalm 33 verse 20. Let's get the word right now. चलिए भजन संहिता का 33 के 20वें वचन में देखेंगे। It says, "Our soul waits for the Lord." और ऐसा लिखा है कि हमारा प्राण प्रभु की आसरा देखता है। Sometimes things may not manifest immediately. और कुछ चीजें जो है तुरंत ही आपके लिए प्रकट ना हो जाए। It's not like instant coffee. You put a sachet and you get coffee. No, thank God for coffee. You know? और ऐसा नहीं होता है कि instant coffee जैसे कि आप सैचे उसमें डालते हैं और तुरंत ही एकदम पका हुआ कॉफी तैयार हो जाता है। Lord will see, this is man really trust me. और देखिए प्रभु आपको परखेगा कि क्या यह व्यक्ति सचमुच मुझ पे भरोसा करता है। It's not that God doesn't know, it's that we don't know sometimes. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन कभी कभी हम खुद इस बारे में वाकई है। Soul waits for the Lord. हमारा प्राण प्रभु का आसरा देखता है। He is our help and our shield. और हमारी ढाल। You see that? आप देखते हैं? The moment you said, "No, Lord, I'll wait for you." और जिस पल आप कहते हैं कि प्रभु नहीं मैं आपका इंतजार करूंगा। Not my way, Lord. मेरी तरीके से नहीं प्रभु। Your way. तेरा मार्ग पूरा। Ah, when you do that, immediately the Lord says, "This man is my man. I need to stand for him. He stands between you and the world. He is your shield." Lift your hand and say, "Lord, you are my shield." Hallelujah. प्रभु तुरंत कहेगा कि हाँ, यह व्यक्ति मेरा व्यक्ति है और वह आपके लिए ढाल बनकर आपके लिए बीच में खड़ा हो जाता है। So you see that? So first thing God told Abraham, he says, "Do not be afraid, Abraham." परमेश्वर ने पहली चीज जो अब्राम से कहा कि अब्राम मत डर। Second he says, "I'm your shield, Abraham." दूसरी बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी ढाल हूँ। And the last thing he says, और आखिरी चीज, he says, "I'm your exceedingly great reward." और उसने कहा कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। God is not only a rewarder, but he is also a reward. परमेश्वर सिर्फ हमें प्रतिफल देने वाला व्यक्ति ही नहीं, लेकिन वो हमारा बड़ा प्रतिफल भी है। He himself is a reward. वो खुद हमारे एक प्रतिफल है। He is a rewarder. देखिए वो प्रतिफल देने वाला व्यक्ति है। But he also himself is a reward. लेकिन वो खुद हमारे लिए प्रतिफल भी है। Do you know the Bible says in the book of Psalm 127? अब जाते हैं बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता के अध्याय 127 में। Children are a reward. बच्चे जो है वो प्रतिफल है। That is a reward from the Lord. वो प्रभु की ओर से प्रतिफल है। The Lord gives us to us. जो प्रभु हमें देता है। The book of Ecclesiastes says. समुपदेश की पुस्तक में लिखा। When we work, the labor of our hands is a reward. और हमारे हाथों की मेहनत जो है एक प्रतिफल है। So there are many types of reward. बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रतिफल हैं। God says in the book of Hebrews, परमेश्वर कहता है इब्रानियों की पत्री में, He is a rewarder of those who seek Him. और जो लोग उसकी खोज करते हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। So you see, God can give you rewards. आप देखते हैं परमेश्वर आपको प्रतिफल दे सकता है। And that's very good. और ये बड़ी अच्छी बात है। But the best thing you can have, लेकिन बड़ी अच्छी बात जो हो, is the Lord Himself. प्रभु ही है। He is the reward. वही वो बड़ा प्रतिफल है। Many years ago, कई साल पहले, I read this story. एक कहानी को पढ़े। I don't know about big people like you, but you know, there are very simple people like me watching this. जैसे बड़े लोगों के जैसा नहीं, लेकिन सीधे साधे लोग जो हैं। You know, my mother used to tell us, my and my brother. My mother was not a very educated lady, but she had the best stories. You know. और इनकी माताजी देखिए इनको बताया करती थी, इनको इनके छोटे भाई को, और देखिए इनकी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पास बड़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ होती थीं। So she had to make up stories sometimes. You know, she listened here and there. बना लेती थी। So she told us one story one day. तो उन्होंने एक बार एक कहानी बताई। There was a great king. He was very compassionate, very gentle king. तो उन्होंने कहानी बताया कि एक बहुत बड़ा महान, एक तरस और दयालु राजा हुआ करता था। One day, you know, he looked at his subjects and said, "How sad, you know." पर देखिए एक दिन ऐसा होता है कि निवासियों को देखकर कहा, "ओ कितनी दुख की बात है." So he called all the kingdom fellows. तो राज्य में के सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया। And he said, उन्होंने कहा, "Tomorrow, the bell will ring at 5 o'clock in the morning." और सुबह के 5 बजे घंटी बजेगी। And evening, again the bell will ring. और फिर शाम को फिर से घंटी बजेगी। Between this time, और इन समयों के बीच you can come to the palace, आपको महल में आना है, and take whatever you want, और जो कुछ भी चाहिए ले लो, take it, ले लेना, my goodness, everybody is so happy, और सब लोग बहुत खुश हो गए, say wow, बहुत बढ़िया, you mean to say, are you serious king, राजा जी क्या आप सचमुच सही कह रहे हैं, that you can take anything you want, कि आप कह रहे हैं कि जो भी हमें चाहिए हम ले सकते हैं। Oh, before 5 o'clock, everybody is gathered outside the gates. 5 बजे से पहले ही वहाँ के गेट के बाहर सब लोग खड़े हो गए। And the minister rang the bell. और फिर वहाँ के सेवक ने उस दास से घंटी बजाई। Everybody ran inside the palace. और लोगों का पूरा जमाड़ा जो था वो महल की ओर भागा। Some were carrying the king's television set outside. और अंदर में से कुछ जाके राजाओं के कुछ लोगों ने तो राजा का टेलीविजन सेट ले गए। Somebody carried the king's sofa outside.
और कुछ लोग राजा के जो सोफा थे वो उठा के बाहर ले गए. And people were so happy, screaming, shouting because they got it. And the king was smiling, said, "Take it, take it, take it." और राजा मुस्कुराते हुए सबसे कह रहे थे, "ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ." Somebody took the king's car, you know, he took it. चलो. किसी ने आके राजा के कार लेके गया. Wouldn't we like that? सब पसंद नहीं आया. Wouldn't we like such a king? इस प्रकार के राजा को पसंद नहीं आया. Take what you want. जो चाहिए ले जाओ. Take what you want. जो कुछ चाहिए ले जाओ. And the king was smiling. और राजा मुस्कुरा रहे थे. One fellow came and took the king's coat also. एक व्यक्ति आकर राजा के वस्त्र कोट को लेके गया. And the king standing with a small shirt like this and pant and he's just standing quietly, not even looking like the king, looking very ordinary. अब वो राजा एकदम छोटे कुछ कपड़े पहने हुए, सादा से कपड़े पहने बस बैठे थे. और राजा जैसे दिखाई भी नहीं दे रहे. And the king looked at one man. और राजा ने एक व्यक्ति को देखा. And the man was looking from up to down. और वो व्यक्ति जो है राजा को ऊपर से नीचे तक ताक रहा था. And the king said. और राजा ने कहा. Look, it is already 4 o'clock now. देखो अभी 4 बज गए हैं. Whole day you are standing near me only and looking at me. और पूरा दिन तुम मेरे नजदीक खड़े होकर बस मुझे ही ताकते रहे. See them all they are taking. See you can see somebody took my fridge just now. देखो अभी कोई तो मेरे फ्रिज को भी उठा के लेके गया. Take something and go. कुछ तो लेके जाओ. He says no. उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं. It was nearly 4:45. और 4:45 बज गए अब. See the bell is going to ring now. देखो अब घंटी बजने वाली है. And now you will not get anything then. अब फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. He says and as the bell was about to ring. और जैसे वो घंटी बजने वाली थी. He says, see, देख, राजा ने कहा, I think something is wrong with you. कुछ तो गड़बड़ी है तुम्हारे अंदर. You should take something and go. Hardly 5 minutes are remaining. कुछ तो लेके तुम्हें जाना चाहिए, बस 5 मिनट बचे. Now the palace was nearly empty. अब वो महल लगभग खाली हो चुका था. There was hardly 1 minute remaining. बस 1 मिनट बच गए. Then he said to the king. फिर उस व्यक्ति ने राजा से कहा. I want you to listen to everybody. वो चाहते हैं ये सब लोग सुने. When I heard that story. जब पासवान उस कहानी को सुने. It reminded me of Jesus. यीशु की याद इन्हें आ गई. And the man said to the king. उस व्यक्ति ने राजा से कहा. Said king. उसने कहा राजा. I've been standing here from morning till evening. मैं सुबह से अभी शाम तक यहाँ खड़ा हूँ. You know why? जानते क्यों? Because you're the king. कि आप राजा हैं. Today. आज. You have told them to take it away. आपने कहा कि सब कुछ ले जाओ. Tomorrow. कल. You may tell them bring them back. आप कहेंगे कि वापस लेकर आओ. And they will have to bring it back. और उन्हें वापस लाना ही पड़ेगा. Because you are the king. क्योंकि आप राजा हैं. They have taken your things away. आपकी चीजों को वह लेके चले गए. But you are still the king. लेकिन अभी भी आप राजा हैं. I am going to take you only now. मैं आपको ही अपने साथ ले जाऊंगा अब. And the king. फिर राजा. Wept. And says, "You are the only person who's understood my heart." रो पड़े और कहने लगे, तुम ही वो अकेले व्यक्ति हो जिसने मेरे दिल की बात समझी। Everybody wants my things. हर किसी को मेरी चीजें चाहिए थी। But nobody wants me. नहीं, कोई मुझे नहीं चाह रहा था। And that day, और उस दिन, the king goes with that man. राजा उस व्यक्ति के साथ जाते हैं। And he says, और कहते हैं, everything in his house changes. सब कुछ उसके घर का बदल जाता है। And he tells him, और कहते हैं उसे, he says, actually that was an old palace. I just wanted to, I've built another new palace now. Come, I just want to bless you. And he became one of the king's most trusted people. Can you be that person? और देखिए उनके लिए राजा ने कहा कि देखो वो मेरा पुराना महल हो गया था, मैं एक नया महल बना रहा था, तो आओ और मैं तुम्हें देता हूँ। और राजा ने उसे आशीषित कर दिया। और फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो था राजा के सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति में से एक बना। अब्राम। अब्राम। Call your name, my friend. दोस्त आप अपना नाम लीजिए। I am your reward, says the Lord. मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूँ प्रभु। You're concerned about your job. आप अपनी नौकरी के बारे में फिक्रमंद हैं। You're concerned about your life partner. आप अपने जीवन साथी के लिए परवाह कर रहे हैं। Lord says, I am your reward. This is a prophetic word for somebody. प्रभु कहता है कि मैं ही तुम्हारा वो प्रतिफल हूँ। किसी के लिए भविष्यवाणी का वचन। I am your reward, Abraham. अब्राम मैं तुम्हारा वो प्रतिफल हूँ। Today, shall we look to the Lord? चलिए प्रभु की ओर देखें। And say, Lord, I want you, Lord. मैं आपको चाहता हूँ प्रभु। The Bible says, God did not spare his only son. अगर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा. But gave himself up for us all. हमारे लिए खातिर उसने उसे दे दिया. The scripture says. How shall he not along with Jesus give us all things? तो कैसे परमेश्वर यीशु के साथ हमें और सारी चीजें नहीं देगा? You see, people don't want Jesus. लोग यीशु को नहीं चाहते. They don't want the king. वे राजा को नहीं चाहते. They want the things that the king can give. वे बस उन चीजों को चाहते हैं जो राजा दे सकता है. God bless me with a car. Hallelujah. परमेश्वर मुझे कार से आशीष दे. Nothing wrong with that. इसमें कोई खराबी नहीं. But do you want the king? क्या आप चाहते हैं राजा को? Today how many want the king? आज कितने लोग राजा को चाहते हैं?